एमसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है और इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो सुनकर आप भी शायद हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल संजय रॉय ने जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब उसने इस बात को कबूल किया था कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया, यानी कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अब वो अपने बयान से पलट रहा है। जी हाँ, और कोर्ट में भी उसने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंजूरी भरी। उसने बोला कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाए और जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने इस बात का दावा किया कि जब वो हॉस्पिटल के उस हॉल में पहुंचा तो वहां पर ट्रेनी डॉक्टर पहले से ही मर चुकी थी, यानी कि ट्रेनी डॉक्टर की पहले से ही मौत हो चुकी थी और वो डर के कारण वहां से भाग गया। हालांकि जो अधिकारी है उनको उसकी इस बात पर भरोसा नहीं है। पूरा ये माना जा रहा है कि संजय रॉय अब चालाकी दिखा रहा है, जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि ये मामला काफी गंभीर हो चला है, इस पर सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर भी अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो संजय रॉय को बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने बयानों के चलते कुछ समय तक बच सकता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वो बचेगा नहीं। जिस तरीके की वारदात कोलकाता के एक हॉस्पिटल में हुई है, आजकल मेडिकल हॉस्पिटल में जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद से संजय रॉय के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। और अब जब उसने जांच को भटकाने की कोशिश की है, इस दौरान जो टेस्ट किया जा रहा था, जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनका यह कहना था कि टेस्ट के दौरान जो संजय रॉय था काफी घबराया हुआ था, काफी डरा हुआ था। आपको यह भी एक बात बता दें कि जब संजय रॉय को जेल में बंद किया गया था तो जेल में रहने के दौरान वहां के गार्डों से भी उसने ये बात को कहा था कि उसका इस दुष्कर्म की वारदात से कोई लेना देना नहीं है, उसे जबरन यहां पर लाया गया है, उसको जबरन फंसाया जा रहा है, क्योंकि बस वो गलती से उस हॉल में चला गया था जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि उस हॉल में ऐसा क्या हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर की इतनी निर्मम हत्या की गई, किसी का हाथ नहीं था और डॉक्टर की मौत हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। और जो जो लोग वहां पर पहुंचे तो उन सबके खिलाफ शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अस्पताल पहुंचा जब संजय रॉय तो वहां पर डॉक्टर पहले से मर चुकी थी, इस बात का दावा वो पॉलीग्राफी टेस्ट में कर रहा है, वो टेस्ट जिसमें इंसान की सच्चाई पता चल जाती है, और जिस बात का वो दावा कर रहा है उस टेस्ट में उसको सही बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी है वो इस बात को अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत ही संगीन ये आरोप है संजय रॉय के ऊपर। और जैसा उसका पिछला जो रिकॉर्ड है उसमें ये सामने आया है कि संजय रॉय पोर्न देखने का आदी है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, और इसके चलते उसके ऊपर शक की निगाहें बराबर बनी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी संजय रॉय को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर लगातार जांच की जाएगी, क्योंकि उसने जो दावे किए हैं उस पर वो साफ तौर पर घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और उसे बहुत अच्छे से पता है कि जितना वो इस जांच को घुमाएगा उतने समय तक वो बच पाएगा। हालांकि संजय रॉय को जब पहले गिरफ्तार किया गया था उस दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अब संजय रॉय पलट रहा है, यानी कि पलटी मार रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में यह बैठ चुका है कि जितनी ज्यादा जांच प्रभावित होगी, जितनी ज्यादा जांच उलझ जाएगी, जितनी गुत्थी और उलझेगी उतने समय तक वो बच पाएगा, वरना उसे सीधे तौर पर कड़ी सजा का प्रावधान हो जाएगा। बहुत अच्छे से पता है, और यही कारण है कि संजय रॉय बार बार अपने बयान बदल रहा है, जांच को वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अधिकारी डॉक्टर्स की टीम, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो सभी लोग जुटे हुए हैं उससे बातचीत करके उसके अंदर क्या चल रहा है इसको जांच करने में। पॉलीग्राफिक टेस्ट में जो दावा संजय रॉय कर रहा है वो थोड़ा सा चौंकाता भी है, क्योंकि मनोदशा समझने के लिए कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है उसमें उसका दावा सही बताया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से वो डरा सहमा था, जिस तरीके से संजय रॉय काफी घबराया हुआ था, उससे ये समझा जा रहा है कि संजय रॉय झूठ बोल रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई और उसने पहले कई दफा ये माना है कि उसका हाथ है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अब वो इस बात से मुकर रहा है। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को जब पकड़ा था
तब से ही लगातार वो अपने बयानों में बदलाव कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जितने ज्यादा बदलाव होंगे उतनी ज्यादा असमंजस में पुलिस आएगी, उतनी ज्यादा असमंजस में सीबीआई आएगी, और उसके लिए आसान हो जाएगा जांच को और लंबे समय तक खींचना, क्योंकि उसको पता है कि जितनी लंबी जांच होगी उतने लंबे समय तक वो बच पाएगा, वरना उसके बचने के कोई आसार है नहीं जिस तरीके की वारदात को उसने अंजाम दिया है। संजय रॉय के चेहरे पर चोट के निशान है, और वो अस्पताल में मौजूद क्यों था, वो क्यों उस अस्पताल में पहुंचा था, ये सवाल का जवाब संजय रॉय नहीं दे पा रहा है। उसके चेहरे पर चोट के निशान और उस हॉस्पिटल में उसकी मौजूदगी, उसके लिए सबसे बड़े दो सवाल हैं जिसके जवाब संजय रॉय के पास नहीं है। यानी कि कानून के हाथ इतने लंबे कि संजय रॉय की दिमाग में घुसकर क्या हकीकत थी उसको निकालने की कोशिश लगातार जांच अधिकारी कर रहे हैं, और देखना यह है कि आगे इस जांच में और कितने खुलासे होते हैं, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था उसमें तो संजय रॉय ने सभी को घुमाने की कोशिश की है। हालांकि जांच अभी लगातार चल रही है। आप लगातार न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। नमस्कार।